हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप लॉन्ग टर्म के शेयर सर्च कर रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको काफ़ी अच्छे शेयर्स का कलेक्शन मिलेगा, आप जा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप जीरोधा में और ग्रो में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यदि हम इंट्रिंसिक जो वर्ड है इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों वास्तविक या रियल, कि किसी भी शेयर की रियल कीमत क्या है। वहीं शेयर की रियल कीमत ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यदि शेयर की जो ट्रेडेड प्राइस है यानी शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो वह शेयर अंडर वैल्यूड कहलाता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड। और यदि शेयर की जो मार्केट में भी प्राइस है वो यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो वह शेयर ओवर वैल्यूड कहलाता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के जरिए अगर समझें तो मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी कीमत है 400 रुपये मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में, और उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे निकालने पे 200 रुपये आती है तो आप समझ सकते हो कि वह शेयर ओवर वैल्यूड है। और यदि उस शेयर की शेयर मार्केट में अगर हम देखें प्राइस 100 रुपये है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता है 200 रुपये है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो शेयर अंडर वैल्यूड है। यानी कि यदि इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये है और यदि शेयर की मार्केट प्राइस 400 रुपये तो वो ओवर वैल्यूड, और यदि 200 रुपये से कम है तो वह अंडर वैल्यूड होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसको निकाले कैसे, तो इसके लिए एक फेमस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, वो ये आप देख सकते हैं, वैल्यू बराबर ई अर्निंग पर शेयर इंटू 8.5 प्लस 2 इंटू जी यानी ग्रोथ रेट इंटू 4.4 अपॉन वाई कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड। यानी कि ये सारे मान इसके अंदर पुटअप करने के बाद आपको इसका वैल्यू इजीली मिल सकता है। अब ईपीएस आपको कहाँ मिलेगा, आप वेबसाइट screener.in पे जा सकते हो और उस पे आप लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप इजीली अर्निंग पर शेयर देख सकते हो, ग्रोथ रेट देख सकते हो, लेकिन उसको उसके लिए आपको वहाँ पे लॉगिन करना होगा और वहाँ लॉगिन करना बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस के जरिए हम इजीली किसी भी जो शेयर है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसके अंदर मान पुटअप कर सकते हैं जिससे आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले उसका सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको पता है उस शेयर के जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़रूरी है, डेप्थ भी काफ़ी ज़रूरी है, और कंपनी का फ्यूचर मैनेजमेंट काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमें वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए, उसी के बाद किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।